दर्शकों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया और प्रभु श्री राम की सेवा में लीन रहे। लेकिन साथियों, कई जगहों पर उनके विवाह का वर्णन किया गया है। आंध्र प्रदेश में हनुमान जी का एक ऐसा ही मंदिर है जहां उनकी पत्नी के साथ उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। यह एक मात्र ही ऐसा मंदिर है जो हनुमान जी के विवाह का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी के विवाह को लेकर 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। दर्शकों, पहली कथा के अनुसार पराशर संहिता में सूर्य की पुत्री शुभचरला और हनुमान जी के विवाह का उल्लेख किया गया है। हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य रहे हैं। सूर्य देव चाहते थे कि वो हनुमान जी को 9 विद्याओं का ज्ञान दे। इनमें से 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली थी, लेकिन बाकी के 4 विद्याओं के लिए उन्हें विवाह करना अनिवार्य था। ऐसे में स्थिति को देखते हुए सूर्य देव ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी के साथ संपन्न करा दिया। लेकिन विवाह के बाद शुभचरला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे। साथियों, दूसरी कथा के अनुसार रावण की दुहिता अनंग कुसुमा के साथ हनुमान जी का विवाह हुआ था। इसका उल्लेख पंचचरित से मिलता है। इसके अनुसार रावण और वरुण देव के बीच एक बार युद्ध हो गया था। तब हनुमान जी वरुण देव की तरफ आ गए। हनुमान जी से युद्ध में रावण की हार हुई। हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से करा दिया। तीसरी कथा के अनुसार वरुण देव की पुत्री सत्यवती से हनुमान जी का विवाह हुआ था। जब रावण और वरुण देव के बीच युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी के चलते ही वरुण देव को विजय प्राप्त हुई थी। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से करा दिया था। दर्शकों, इन सब के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने इन तीनों से विवाह तो कर लिया था, लेकिन कभी भी विवाहित जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए उन्हें आज भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है।